तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सॉरी फॉर दे डिले, वीडियो बनाने के लिए डिले हुआ क्योंकि बहुत ट्रैवल हो गया और देख भी रहे होंगे शायद तबीयत भी उतना ठीक नहीं है, आवाज़ भी उतना ठीक नहीं है। तो आप लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा, आवाज़ पे उतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोग से कि अगर आप पहली बार फ्लाइट पे जा रहे हैं, फ़्लाइट पे जाना है आपको, कहीं भी जाना है, ट्रैवल करना है आपको, नेशनल, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, पूरा डिटेल्स विथ फ़ोटो विथ वीडियो के साथ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि हो गया कि आपको, जैसे आप एयरपोर्ट पे एंट्री कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करना है, मैंडेटरी होता है क्या क्या है, ठीक है। अब उसके बाद से जैसे आप इंटर किए उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से आपको ऑप्शन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फ़्लाइट कौन सा फ़्लाइट आपका है, जो उस पर आपको बैठना है, जाके कैसे बैठना है। उड़ने के बाद जैसे आप आपका फ़्लाइट उड़ता है तो कैसा महसूस होता है, उड़ने के बाद ऊपर में कैसा दिखता है, अगर आप ऊपर से विंडोज़ के लिए देखते हैं विंडोज़ से तो क्या दिखता है, कैसे दिखता है, क्या फीलिंग होता है, और ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको क्या विंडो सीट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होता है या नहीं देना होता है, प्लस जहाज़ में आपका कितना, एक फ्लाइट में कितना स्पेस होता है, कितना बड़ा होता है, बाथरूम किधर साइड में होता है, ए टू जेड इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर फिर भी कुछ छूट गया, कुछ रह गया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आके क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ विनीत और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहला काम, अगर आप एयरपोर्ट में एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहला, अगर आप ऑनलाइन टिकट लिए हैं तो अभी मैक्सिमम सभी लोग ऑनलाइन ही टिकट लिए हैं, तो मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ऑनलाइन टिकट लिए हैं तो आपको देखिए कुछ इस टाइप का दिखेगा। एयरपोर्ट में जैसे एंट्री करेंगे तो इस टाइप का आपको सभी दिख रहे होंगे, जो जितने भी काउंटर होते हैं, तो आपको जिस फ्लाइट पे जाना है आपको उस कंपनी का काउंटर पे जाना है, काउंटर पे जाके बात करनी है। बात करने के बाद वो लोग बता देंगे कि आप इंटर कीजिए, मतलब अंदर जाइए। उसके बाद से आप अंदर जाएंगे तो अंदर में जाने के बाद एक चेकिंग होता है, आपका बैगेज जो होता है, लगेज होता है, वो चेकिंग होता है। आपका बॉडी पूरा इस टाइप का सेव करके आपको खड़ा किया जाएगा और पूरा का पूरा स्कैन करके, मतलब पूरा का पूरा चेक किया जाएगा। ये पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद से आपको अंदर भेजा जाएगा। अंदर जाने के बाद भी एक देखेंगे आपका सेम कंपनी का, जैसे मेरा गो एयर का था, तो उसके पास मैं गया, उनके पास गया और वो मुझे टिकट देंगे, ठीक है। जो टिकट इस प्रकार के, ये है टिकट, वो इस प्रकार के एक टिकट देंगे और उन्हीं से आपको रिक्वेस्ट करना है कि सर मुझे अगर पॉसिबल है, अवेलेबल है, तो विंडो सीट चाहिए। तो विंडो सीट वो बिल्कुल फ्री में देंगे और आपको 100% देंगे अगर अवेलेबल है। अगर वहाँ आप नहीं बोलते हैं तो वो अपना मर्जी से सीट आपको देंगे। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद से आपको आके लाइन में लग जाना है एंट्री करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारा चेकिंग होता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जैसे आप एंट्री कर रहे हैं एयरपोर्ट में जाते हैं, जब भी आपका फ़्लाइट है तब से आपका, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 घंटा पहले आपको चेकिंग करना होगा, और अगर आप इंटरनेशनल पे जा रहे हैं तो जैसे इंडिया से बाहर आप जा रहे हैं तब आपको 3 घंटा पहले चेकिंग करना होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद से जैसे आप इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद गेट पे ही लिखा रहेगा कि आप जो है मोबाइल, पर्स, आपका अगर पावर बैंक है तो वो, और आपका बेल्ट, जितना भी इस टाइप का चीज़ें हैं, घड़ी, वो सभी एक ट्रे मिलता है, ट्रे में आपको रखनी है। ट्रे में रखने के बाद आपको आगे बढ़नी है, वो एक मशीन जो होता है, स्कैनर मशीन जो आप देखे होंगे उसमें रख देनी है, और आपका बैग रख देनी है, लगेज रख देना है। आपका जो हैंड बैग होता है डोमेस्टिक के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें 7 kg होना चाहिए, 15 kg होना चाहिए उसमें आपका 15 kg होना चाहिए, जो लगेज बैग होता है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका चार्ज होगा। वैसे करके आप आगे बढ़ेंगे,
आगे बढ़ने के बाद वहाँ भी एक चेकिंग होगा आपका, जैसे बॉडी स्कैन हुआ उस तरीके का वहाँ पे भी होगा। होने के बाद आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, और जैसे ही आपको जो टिकट मिलेगा वो टिकट पे लिखा रहेगा कि कौन सा गेट पे आपको जाके खड़ा रहना है, ठीक है। गेट जो है वो आपको दिखाएगा, जो इस तरीका का दिखेगा टिकट पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और उसके बाद से जैसे आप इंटर करेंगे तो गेट जो जिस आपका सीट आपका जो टिकट पे गेट नंबर लिखा हुआ है उस गेट नंबर के पास आपको जाके वेट करना है, बैठना है। तो वहाँ से एक देखेंगे टीवी स्क्रीन पे, आपको सामने में टीवी स्क्रीन रहेगा, वहाँ पे सब फ्लाइट का नंबर और जो भी फ्लाइट का नंबर होता है और टाइम होता है वहाँ पे लिखा रहेगा, और बोर्डिंग करके लिखा रहेगा। तो अगर आपका आ जाएगा उस टाइम पे तो वहाँ पे भी दिखा देगा। उसके बाद से आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जैसे एक बस आता है, बस आएगा और आपको वहाँ से लिख जाएगा, ठीक है, आपका फ्लाइट तक। तो इस टाइप का वो है जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप का है जो जाएंगे और आपको फ्लाइट के पास छोड़ देगा वो, ठीक है। फ्लाइट के पास छोड़ने के बाद वहाँ से आपको फ्लाइट में इंटर करना है, तो इंटर करने के वक्त भी वहाँ पे भी आपका चेकिंग होगा, एक मतलब टिकट चेकिंग किया जाएगा। और दोस्तों ये चीज़ सारा प्रोसेस एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ होगा, जैसे आपका टिकट के साथ एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना मैंडेटरी है, वो भी ओरिजिनल, ठीक है, मोबाइल में दिखाने से नहीं होगा, वो आप ओरिजिनल कैरी करेंगे। अब आप फ्लाइट में जैसे एंट्री करते हैं, तो फ्लाइट में एंट्री करने के बाद वहाँ पे आपको गेट पे ही एयर होस्टेस मिलेंगे, जहाँ से आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, आप अगर बात करना चाहते हैं, वो लोग खुद ही आपको बता देंगे, टिकट देखेंगे और आपको बता देंगे, तो आप जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं। और इस टाइप का अंदर का फ्लाइट अंदर से इस ऐसे दिखती है, ठीक है। अब ना फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है तब हल्का सा स्पीड होता है, बहुत बहुत स्पीड चलता है, उसके बाद से अचानक से हल्का सा ऐसे करके फ्लाई होता है, मतलब आपको डर नहीं लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल इजी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे सारे चीज़ दिखाया जाएगा। सीट बेल्ट इस तरीका का होता है, देख लीजिए, ये सीट बेल्ट का एक छोटा सा वीडियो है जो मैं दिखा रहा हूँ, इस टाइप का सीट बेल्ट होता है जो आपको पहननी है, और ए टू जेड इंस्ट्रक्शन वो लोग देते रहते हैं कि ये है इंस्ट्रक्शन। अगर आप बहुत जन का ये क्वेश्चन है कि ऊपर से नीचे क्या कुछ दिखता है या नहीं दिखता है, तो दोस्तों अगर आप ऊपर से नीचे देखते हैं, मतलब विंडोज़ के बाहर देखते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखता है, आसमान एक दिखता है लेकिन और कुछ नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा। जब उड़ रहा है तब हल्का हल्का जब तक दिखाई देगा, उसके तुरंत बाद ही कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। और जब उसके बाद से उसमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और फ्लाइट में दोस्तों डोमेस्टिक में मैं बता रहा हूँ, डोमेस्टिक में सिर्फ वाटर जो होता है वो फ्री होता है, बाकी अगर आप लेते हैं तो उसका एक चार्ज होता है। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है जो पहली बार ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, ये और किसी मकसद के लिए ये वीडियो नहीं है। अब आप जैसे ऊपर उड़ रहे हैं, उड़ने के बाद जैसे आप लैंड कर रहे हैं, तो लैंड करने के बाद कैसे होता है, किस तरीका का होता है, वो भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ। ये है एक वीडियो जिसमें जैसे लैंड कर रहा है तो आपको ऊपर से दिखेगा कुछ कुछ लाइट फाइट दिखेगा जहाँ पे आप लैंड कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं दिल्ली में लैंड कर रहा हूँ तो कैसे दिख रहा है, और जैसे ज़मीन पर आएगा तो हल्का सा हिले, एकदम हल्का सा हिलेगा, जैसे आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन पे आ गया है। और आपको अनाउंसमेंट भी मिलेगा कि अब हम लोग लैंड करने वाले हैं करके, इस टाइप का एक अनाउंसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे और वहाँ से जाके आपको रोक दिया जाएगा, मतलब रोक के उसके बाद से वो लोग गेट के पास लगा देते हैं। और दो गेट होता है, एक आगे और एक पीछे होता है, कैसे चढ़ते हैं वो भी मैं आपको दिखा दिया। तो ये सारा डिटेल्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत जानकारी आपको मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों एक और चीज़ आपको बोलना चाहेंगे, आपको अगर किसी चीज़ का और डिटेल्स चाहिए, इसके बारे में और कुछ डिटेल्स जानकारी चाहिए आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा और आपको बता दूँगा अगर कुछ छूट गया है तो। जय हिंद, वंदे मातरम।